नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वशीकरण करने का बहुत ही अनमोल टोटके। आप इस अनमोल टोटके के द्वारा किसी भी स्त्री को अपने प्यार में आप तड़पा सकते हैं। किसी भी स्त्री को आप जीवन भर के लिए उसे गुलाम बना करके रख सकते हैं। किसी भी स्त्री को जीवन भर के लिए आप उसे अपना दीवाना बना करके आप उससे मन चाह काम को करवा सकते हैं। जहां बुलाएंगे वहां पर आने को तैयार हो जाएगी। आखिर कौन सा वशीकरण टोटके है इतनी शक्तिशाली वशीकरण टोटके कि वो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो सारे कुछ मैं बताने जा रहा हूं। इस पेड़ के पास जा करके बोल दो यह शब्द, स्त्री आपका प्यार में दीवानी हो जाएगी। इस पेड़ के पास में जा करके अगर ये शब्द को अगर आप बोल देते हैं तो जादुई की तरह पूरी शक्तिशाली तौर से जो है वो स्त्री के ऊपर में हावी हो जाएगी और वो स्त्री आपका प्यार में खींची हुई चली आएगी, आपका प्यार के बिना नहीं रह पाएगी। आखिर वो कौन सा पेड़ है जिसके सामने में खड़ा होकर ये शब्द बोलने से ही स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। मित्रों, आज मैं एक ऐसी पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पौधे में प्रेत आत्मा की वास होती है। प्रेत आत्मा के द्वारा तंत्र मंत्र के द्वारा आप किसी भी काम को आप करवा सकते हैं, अनहोनी को आप होनी करवा सकते हैं। जो काम नहीं होने का है वो काम प्रेत की दुनिया में जाकर के आप करवा सकते हैं। तो इस पेड़ के ऊपर में आपको आसुरी शक्ति से लेकर के नकारात्मक शक्ति का मौजूद काफी रहती है और किस समय में मौजूद रहती है और उस समय में अगर निडर होकर के बिना डरे हुए आप अगर इस बात को बोल देते हैं, जिस स्त्री का नाम लेकर के बोल दीजिएगा वो स्त्री दौड़ते हुए आपके पास में आएगी और आपका प्यार में दीवानी बन जाएगी। तो वो काम को कैसे करना है और किस दिन करना है और कौन सा शब्द को बोलना है, तो मित्रों आप हमारे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय माँ कामाख्या जरूर लिखे ताकि माता कामाख्या की कृपा से आपके ऊपर में सभी तरह का रुकावट बाधा विघ्न से लेकर के ग्रह दोष से लेकर के नक्षत्र का दोष तक भी आपको समाप्त हो जाए, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आपको सबसे पहले इस क्रिया को करने के लिए आपको लेना होगा 7 मीटर लाल रेशम का धागा। 7 मीटर लाल रेशम का धागा आपको खरीद करके रखना है। उसके बाद आप किसी भी पंडित के पास में जाकर के या जो भी आपका घर में पंचांग देखने वाले आदमी है या आप अगर खुद पंचांग देखना जानते हैं तो आपको देख लेना होगा किस दिन घनिष्ठा नक्षत्र पड़ता है, किस दिन घनिष्ठा नक्षत्र आपको पड़ता है, आपको इस दिन को देखना है। चाहे वो आपको जो भी दिन पड़ जाए, ये फिर से बता दे रहा हूं, घनिष्ठा नक्षत्र के दिन में ही इस क्रिया को आपको करना है। और वो कब पड़ेगी आपको मैं बता दिया हूं, वो पंचांग को देख करके आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, वो 7 मीटर लाल रेशम का धागा को आप अपने नाप से पैर का उंगली में आपको फंसा करके और लंबा करके आपको सिर के यहां तक आपको धागा को रखना है। इसके बाद जो धागा जो बचेगी उस धागा को आपको काट करके हटा देना है। उसके बाद में उस धागा को आपको रख लेना है। जिस दिन घनिष्ठा नक्षत्र पड़े उस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज उगने से पहले आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा रोड़ी, थोड़ा सा सिंदूर और 1 रुपये का सिक्का उसमें डाल करके आपको नहा धो करके शुद्ध वस्त्र या साफ कपड़े वस्त्र पहन करके आपको चले जाना है उस बबूल का पेड़ के पास। बबूल का पेड़ में बहुत ही भूत प्रेत आत्मा आसुरी शक्ति की वास होती है। उस बबूल के पेड़ के पास जा करके
आपको उस स्त्री का नाम 7 बार लेकर के धागा को उस पेड़ में लपेट करके 7 गांठे आपको बांध देना है, 7 गांठ लगा करके छोड़ देना है। और उसके बाद उस जल को हाथ में या जो लोटा में रख करके आपको बोलना है अमुकी मामा बस्यम बस्यम कुरकुरु स्वाहा, अमुकी मामा बस्यम बस्यम कुरकुरु स्वाहा, अमुकी मामा बस्यम बस्यम कुरकुरु स्वाहा। 108 बार आपको इस शब्द को बोलना है, एक माला से मतलब एक माला आपको जाप करना है। 108 बार इस शब्द को बोल करके और वो जल के अंदर में जो भी डालते अक्षत से लेकर के रोड़ी सिंधु सारे चीज को लेकर के उस बबूल का पेड़ के जड़ में आपको जो है समर्पित कर देना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको चुपके से चले आना है। इस क्रिया को करते ही आपका जो है 12 घंटा होते होते उस स्त्री का दिलो दिमाग में आपके नाम का प्यार दौड़ने लगेगी। वो स्त्री के प्यार में, आपके प्यार में वो दीवानी हो जाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, इसे आप जरूर आजमाएं, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रा।